हेलो एवरीवन, तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है पैनकेक। आप सोच रहे होंगे पैनकेक में ऐसा क्या खास है, तो आज का पैनकेक स्पॉन्ज गार्ड से बना है। आइए इसके लिए पहले चटनी तैयार करते हैं। थोड़े से अखरोट हैं, लहसुन है 8-10 कली, थोड़ी सी मूँगफली है, थोड़े से चने भुने हुए हैं और लाल मिर्च। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चटपटी चटनी बनाई है, इसलिए मिर्च थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ 1/2 टीस्पून मैंने राई का पाउडर लिया है, काला नमक है, पुदीने का सूखा हुआ पत्ता है, ज़ीरे का पाउडर है 1 टीस्पून के लगभग, सौंठ का पाउडर है और थोड़ा सा गुड़ लिया है। गुड़ की जगह पर आप शुगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है और लगभग चाय वाले कप से 1/2 कप दही है। ये ज़ीरा है और सफ़ेद तिल है तड़के के लिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, इन्हें कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसे पीस देंगे। अखरोट मैंने इसलिए डाला है कि अखरोट वैसे तो बहुत करछाता है, तो बहुत आदमी खा नहीं पाता है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, तो अगर आप इसमें अखरोट को पीस के डाल देते हैं तो उन्हें इस सारे टेस्ट के बीच में उसका टेस्ट भी नहीं मिलेगा और अखरोट भी चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को हल्की एकदम मध्यम आँच पर एक हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेना है और ठंडा करके इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पीस लेना है। ये देखिए बहुत धीमी आंच पर बस एक कच्चापन निकालने के लिए इसे भूना जा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, इसे भून कर निकाल लेना है। हार्डली 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा इसे भूनने में। और लहसुन आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पीस ठंडा करके उसके बाद पीसना है। ये देखिए प्रॉपरली भून चुका है, अभी इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने देते हैं। तब तक इसका तड़का तैयार करते हैं। ज़ीरा करी पत्ता डाल दिया है, अब गैस बंद कर देते हैं और उसके बाद इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल पीसने के लिए नहीं है, वो तड़के के लिए है, जिससे जब आप चटनी खाना शुरू करें तो उसमें थोड़ा सा एक हल्की सी बाइट आएगी तो वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए ये ठंडा हो गया है, अब इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी में डाल के प्रॉपरली पीस लिया मैंने। गुड़ भी यहीं पे डाल देंगे। अगर आप शुगर का प्रयोग करते हैं और आपके पास बेसी शुगर है तब भी आप इसी समय डालें तो वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए चटनी हमारी तड़के के साथ एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। अब हम पैनकेक की तैयारी करते हैं। ये देखने में थोड़ी सी लाल लाल लग रही है, वाइट वाइट सुंदर सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है, नो डाउट आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस पैनकेक के लिए मैंने 3 से 4 स्पॉन्ज गार्ड लिए हैं, सरसों के दाने हैं और करी पत्ते हैं और 2 बड़ी साइज़ की प्याज काट के ली हुई है। बहुत लंबे में नहीं काटा है और बहुत फाइन चॉपिंग नहीं की है। लगभग 1 से 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मेज़रमेंट से चावल का आटा लिया है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, चिली फ्लेक्स हैं और सॉल्ट है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। ऐसे एक्चुअली खाने में नहीं आता तो इसमें डाल दो तो खाने में आ जाता है, अपने भी खाने में आ जाता है और सबके खाने में आ जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लिया, उसमें सरसों के दाने और करी पत्ता डाल दिया। इसे थोड़ा सा एक बार चलाएंगे और उसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए इसे मैंने चला दिया है। अब यहाँ पर प्याज डाल दी है, आँच यहाँ पर फुल रखनी है आपको, आँच बिल्कुल भी मध्यम नहीं करनी है, फुल आँच पे ये तैयार होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे कुक करके नहीं निकालना है। ये देखिए प्याज को इसमें भूना और उसके बाद नेनुआ भी डाल के मैंने इसमें भून दिया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, फुल फ्लेम पे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो गया।
अब उसके बाद इसे आटे में निकाल देंगे। आटे में चिली फ्लैक्स, नमक और ड्राई फ्रूट्स जो कटिंग किए हुए थे, जो कि ऑप्शनल है, उसे मैंने डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को आटे में डाल देंगे। ये अच्छी तरह देखिए तैयार हो चुका है। अब इसे आटे में डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को, ये जो निनवा है, प्याज है, इन सारी चीज़ों को आटे में डाल के प्रॉपरली देखिए, पहले जो चावल का आटा डाला है उसे आप मिक्स कर लें, नहीं तो होगा ये कि चावल का आटा एक जगह हो जाएगा और गेहूं का आटा दूसरी जगह हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऐसा ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले उसे प्रॉपरली मिक्स कर लें। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि एकदम गर्मा गर्म इसमें आ रहा है। ये देखिए एकदम भाप निकल रही है। इसे प्रॉपरली इसमें डालकर मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो जैसे जिस तरह से मैंने पैन केक की तरह से बनाया है कि एकदम थोड़ा सा थिक सा घोल उसके आप तैयार किया है, अगर आप चाहें तो इसे पराठे की तरह से भी बना सकते हैं। आप इसमें पानी डाल के इसे घोले नहीं, बल्कि इसे ठंडा करके इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे आटा गूंथ लें, आप उसका पराठा भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैन केक होगा तो थोड़ा सा वो मोटा हो जाएगा और पराठा बनेगा तो उतना मोटा नहीं बनेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको बच्चों को अगर उतना मोटा सा पैन केक ना पसंद आए तो आप उन्हें पराठा भी बना के दे सकते हैं। पराठा बनाने में समय थोड़ा कम लगेगा आपका, पैन केक बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इसे कढ़ाई में देखिए इतना थिक मैंने घोल तैयार किया है। अगर आपको लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ऐड करना है। उसके बाद इसे देखिए, ये कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, बहुत हल्का सा तेल मैंने इसमें लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसमें इस घोल को डाल के पकने के लिए छोड़ूंगी। ढक के ये पकेगा, ये टाइम टेकिंग है। अगर आपको लगता है आप ये बनाना चाहते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है और आपको इसे बनाना भी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसे आटे की तरह गूंथ लें और पराठे की तरह सेक लें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसमें बनेगा भी बहुत जल्दी और बच्चों को मोटा मोटा भी नहीं लगेगा, तो आप ये बना सकते हैं। आजकल बहुत समस्या होती है कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसे नेनुआ से भी बना सकते हैं, आप इसे लौकी से भी बना सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बना है ये, खाने में मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे घर में भी लोगों को बहुत पसंद आया। अब ये हो रहा है कि अब दोबारा कब बनाया जाए इसे, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे पराठे के रूप में ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसे पराठे के रूप में किस तरह से बनाऊँगी वो भी आपको दिखा दूँ, तो मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा आप इसके आगे की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ से पकने के बाद इसे मैंने पलट दिया है। अब इसे ढककर मैं पकाऊंगी और समय लगेगा, आराम से इसमें 4 से 5 मिनट तो लग जा रहा है एक पैन केक बनाने में। हो सकता है इससे थोड़ा कम समय लगे क्योंकि आँच मैंने बहुत मध्यम कर रखी है। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप इसे आटे की तरह गूंथ के इसे पराठे की तरह बनाएं, लेकिन पैन केक का अपना ही एक मज़ा है। इस चटनी के साथ इस पैन केक का आनंद लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।